considering all the five bodyguards that we have here are of all the five of my heroes. क्या आपने ध्यान से सुनी है करीना कपूर की बात? आपको एक बार फिर बता दें कि करीना कह रही हैं कि यहाँ हैं उनके अब तक के सभी हीरोज के बॉडीगार्ड, लेकिन इनमें एक बड़ा नाम है मिसिंग। करीना की जबानी फिर से सुन लीजिए उन स्टार्स की लिस्ट, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा इस मिसिंग सुपरस्टार का नाम। So there's Aamir, there's Akshay, there's Saif, all of them are here and I've done many movies with them, but of course they are the heroes. सलमान, अक्षय, एवरीवन। बट करीना के इन फाइव हीरोज में शाहरुख का नाम नहीं है, तो क्या करीना शाहरुख को अपना हीरो ही नहीं मानती या फिर इसके पीछे है कोई और वजह? I'm sure रिलायंस ने डेफिनेटली शाहरुख के बॉडीगार्ड को भी पूछा होगा कि टू प्लीज जॉइन आवर इवेंट, बट शायद शाहरुख माइट बी बिजी और उनके बॉडीगार्ड उनके साथ गए होंगे, मुझे रीजन एग्जैक्टली पता नहीं है। देखा एक बार फिर कैसे फंस गई करीना शाहरुख खान और सलमान खान के पावर गेम में। आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय कुमार से लेकर बिग बी तक सभी के बॉडीगार्ड यहाँ मौजूद थे। करीना ने इन सबको सम्मानित भी किया, पर उससे भी बड़ा फसाना बन गया शाहरुख के बॉडीगार्ड का यहाँ ना होना। अब ये मत कहिएगा कि यहाँ तो सलमान के बॉडीगार्ड शेरा भी नहीं है, भाई करीना भी जानती है इसकी वजह। US में हो रहे सलमान के इलाज को लेकर करीना का कंसर्न भी यहाँ नजर आया। Well, I just hope that he's, you know, absolutely cured and the pain that he's gone through, I don't think, like he said, that anybody should go through it and definitely not such a wonderful person like Salman. करीना को सलमान के पेन की परवाह है, पर शाहरुख को होने वाले उस दर्द की परवाह बिल्कुल नहीं है। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh. They've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting. So I said Aamir. Aamir को God of acting बताने पर शाहरुख का हुआ दर्द खुद बयां कर रहा है, या फिर सलमान को अव्वल बताना तो नहीं खल गया शाहरुख खान को? तीनों खान बहुत अलग है एक दूसरे से, बट राइट नाउ आई वांट टू ओनली टॉक अबाउट चार खान है सलमान। सलमान ओनली सलमान। करीना कैसी हैं? अगर जैसे आपने पूछा कि वो थ्री खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं, मम्मी ने पूछा कि हु इज बेटर मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना, और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोले? डैडी ना। पर लगता है करीना की इस आदत के बारे में जो बात सलमान को समझ में आ गई है वो समझना शाहरुख के लिए मुश्किल हो गया है। वाह शाहरुख, आप तो मीडिया के सामने ही नहीं अपनी फिल्म्स में भी यही कहते फिरते हैं ना। आई एम वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट।